पास तो गया, लेकिन गुफा में तो बहुत सारे जानवर पहले से मौजूद थे। अब फिर वह दूसरी गुफा की ओर दौड़ा, किंतु वहां भी उसे जगह नहीं मिली। देखो, अब वो दूसरी गुफा में भी गया तो वहां पे भी गुफा में बहुत सारे जानवर थे। अब बारिश और तेज हो गई थी, शाम हो गई थी, अंधेरा बढ़ रहा था, बादल गरज रहा था और बिजली चमक रही थी। चिंपू को डर लगने लगा। चिंपू इधर उधर दौड़ा और कहीं भी जगह न मिलने के कारण वह उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। देखो, उसने बारिश तेज होने के बाद गुफा ढूंढी तो उसको गुफा में कहीं भी आश्रय नहीं मिला, क्योंकि गुफा में पहले से ही बहुत सारे जानवर जा चुके थे। वहाँ पे तो गुफा जानवरों से भरी थी। चिंपू सोचने लगा कि यदि मैं पहले ही अपने लिए छिपने का स्थान ढूंढ लेता तो इस तरह भीगना न पड़ता। मैंने समय पर अपने लिए कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मेरी यह दशा हुई है। देखो, जब बारिश शुरू हुई तो कालू कौवा तो ऊपर बैठ गया था, तब वो नीचे बैठा रहा। उस टाइम उसने अगर गुफा में ढूंढा होता तो उसको गुफा में जगह मिल गई होगी। तो यहाँ पे हमने इस कहानी से हमने सीखा, समय निकल जाने पर पछताने से कुछ नहीं मिलता। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यानी हमें किसी भी काम में आलस नहीं करनी चाहिए।